राजभवन में लंबित विधायकों के मामले में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कर्मचारियों की कमी को दोषी ठहराया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि विधेयक अभिमत लेने के बाद ही विधेयकों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। कई विधेयक इस कारण से भी लंबित हैं। राजभवन में अधिकारी कर्मचारियों की कमी होने के कारण यहां का कार्य प्रभावित होता है। इसके साथ ही राजभवन के सचिव और उपसचिवों को स्वतंत्र प्रभार दिए जाने के संबंध में राज्य शासन से चर्चा हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया था, पर अब तक यह कमी पूरी नहीं हो पाई है, जिस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कर्मचारियों की कमी के मामले को सुलझा लिया जाएगा। केवल 8 विधेयक लंबित हैं, इसके लिए कोई खास अमला नहीं लगता, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये इसमें ज्यादातर विधेयक वित्तीय हैं, इसलिए उन्हें पास करने में कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं राज्यपाल के हस्ताक्षर से वित्तीय विधेयकों को अनुमति मिलती है, इसलिए लंबित विधेयकों को मंजूरी नहीं होने से सरकार को राजस्व का नुकसान है। राजभवन की कर्मचारियों की कमी और पूर्ति के संदर्भ में मुझे बयान तो नहीं देना चाहिए, लेकिन सरकार की ओर से ऐसे फाइनेंस बिल हैं जो राजभवन में महामहिम के हस्ताक्षर और सहमति के उपरांत ही विधानसभा में भेजे जाते हैं और पारित किए जाते हैं। हमने महामहिम से, मैं और अकबर भाई गए थे, हमने आग्रह किया है, क्योंकि सरकार का जो फाइनेंस बिल होता है, वित्त विधेयक होता है, वो हमारी आमदनी का भी जरिया होता है।